देखिए स्टूडेंट, JEE मेंस या जिसे AIEEE 2007 में आया हुआ एक और प्रॉब्लम जिसमें वेलोसिटी की मदद से डिस्प्लेसमेंट निकालना है और अगेन इसमें इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज हो रहा है। इंटीग्रेशन कंसेप्ट की मदद से हमें बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर। टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर x इक्वल टू 0 हो तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां पर अवेलेबल है v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, तो dx लिखा जा सकता है v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर और dt कहा जा सकता है। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड टाइम, देखिए ये कौन सी लिमिट है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर शुरुआत में पार्टिकल की पोजीशन 0 पर है और 1 सेकंड के बाद आपको पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, फाइनली पोजीशन बतानी है। dx का इंटीग्रेशन x 0 से xf फ्रॉम 0 टू 1 सेकंड, v0 प्लस gt प्लस ft स्क्वायर dt, xf माइनस 0 v0 dt फ्रॉम 0 टू 1, gt की पावर 1 dt फ्रॉम 0 टू 1, ft स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू 1। अब क्या हुआ ध्यान से देखो, xf फाइनली v0 इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 टू 1, g फ्रॉम 0 टू 1 t की पावर 1 dt, f फ्रॉम 0 टू 1 t स्क्वायर dt से लिखा जा सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने डिस्कस किया भी था और वापस एक बार डिस्कस कर रहा हूं। इंटीग्रेशन dt t होता है, इंटीग्रेशन t की पावर n dt जो होता है उसे लिखा जाता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 1 dt को लिख सकते हैं आप 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया t स्क्वायर बाय 2। t की पावर 2 dt को आप लिख सकते हैं t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, टी क्यूब बाय 3, ऐसा ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए xf इक्वल टू v0 dt का t फ्रॉम 0 टू 1, t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 1, f बाय 3 टी क्यूब फ्रॉम 0 टू 1, क्योंकि t की पावर 1 dt का इंटीग्रेशन सीधा लिख सकते हैं t स्क्वायर बाय 2, t की पावर 2 dt का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं t की पावर क्यूब। अब आप चेक कीजिएगा xf v0 अपर लिमिट क्या है 1 माइनस 0, जी बाय 2 अपर लिमिट क्या है 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एफ बाय 3 अपर लिमिट क्या है 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, और फाइनली इसे लिखा जा सकता है देखो क्या, xf कैन बी रिटर्न v0 प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3। देखो यहां पर v0 प्लस जी बाय 2 प्लस एफ बाय 3, तो ये ऑप्शन आपको बी ऑप्शन करेक्ट दिखता है। तो वापस एक बार बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम जिसमें इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज किया गया है। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव